अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और सबकी ईद कैसी गुजरी? गर्मी का हाल सुनाएं, गर्मी का क्या हाल है आजकल? आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल, तो चलें। ये हमारा घर है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। किचन हमारा नीचे है, ये मैं ऊपर मेरा रूम है, वो भी आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, मैंने फ्राइज़ बनाई अपने छोटे बेटे के लिए, अब्दुलरहमान के लिए। फिर मैंने एक तरफ कढ़ी रखी बनने के लिए। ये दही लिया मैंने आधा किलो, बेसन और हाफ कप बेसन था, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हल्दी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी। तो सिंपल रेसिपी है ये, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते इसमें। ये मैंने चढ़ा दी थी कढ़ी, इसको मैंने अच्छा सा ब्लेंड करके। फिर इसमें कड़ी पत्ता डालना था। ये देखें, हमारा बाहर का हिस्सा है, ये कड़ी पत्ते का पेड़ हमारे घर में ही है। देखिए इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है कड़ी पत्ते का, ये मैंने फ्रेश तोड़ा कड़ी पत्ता। ये प्लांट्स रखे हुए हम लोगों ने, अम्मी को बहुत शौक है पौधों का। ये देखें, उन्होंने ये बर्ड्स भी रखे हुए काफ़ी। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के तोते हैं इसमें। ये मिट्ठू है हमारा, अम्मी को बहुत शौक है इनका, बर्ड्स का और पौधे, ये सब अम्मी ने रखे हैं हमारी। ये देखें, प्लांट्स का बहुत शौक है उन्हें। मैंने कड़ी पत्ता फ्रेश तोड़ा बाहर से, फिर हम लोग अंदर आए। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, कि फ्रेश कड़ी पत्ता मैंने डाला इसके अंदर, कड़ी पत्ता उसमें कड़ी में तोड़ के। आप बिल्कुल सॉफ्ट था वो, इसलिए मैंने डंडियाँ नहीं तोड़ी उसकी। ये देखें, कड़ी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम 1 घंटे के लिए इसको मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया। ये अब्दुलरहमान से मैंने आलू चिप्स बना के दिए है, गर्मी से परेशान हो रहा था ये, बहुत गर्म दिन था। ये कड़ी देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 40-50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके लिए पकौड़े बनाएंगे। ये देखें, बेसन मैंने रख दिया था पहले घोल के, फिर हमने इसके पकौड़े बनाए। ऑयल रखा मैंने एक तरफ, ये देखें गरम होने के लिए, ऑयल गरम हो गया, तो फिर मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए। ये देखें, पकोड़े मैंने जो पहले निकाले थे, फिर मैंने ये अम्मी को दिए, क्योंकि कढ़ी बने हो हम लोग पकोड़े पहले ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये पकोड़े मैंने कढ़ी में डाल दिए बाकी, और आप ठंडे पकोड़े डालने हैं कढ़ी में ना, गरम गरम नहीं डालने, वरना वो सख्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमने ये जो है इसका तड़का तैयार किया मैंने इसके बघार के लिए, कढ़ी के प्याज है, कड़ी पत्ता है और 2-3 लाल मिर्चें, फ्रिज में रखने से लाल हो गई थी ये, वो हैं 2-3 कट करके वो ले ली, और ज़ीरा 1 टीस्पून, इसको हमने फ्राई करके ये हमने कढ़ी के अंदर डाल दिया। 1.5 से 2 घंटे लगे थे, कढ़ी चावल रेडी थे, बिल्कुल बन गए थे, खाना बन गया था हमारा। ये देखें, एक तरफ मैंने चावल बॉयल करना रख दिए थे, देखें चावल भी हमारे बन गए। फिर मैं निकाल के मैंने अम्मी को खाना दिया, मेरी अम्मी आप टेस्ट करें बताएं कैसी बनी, अम्मी को बहुत अच्छी लगी थी। देखिए अम्मी ने टेस्ट करी, गर्मियों में सादे और सिंपल खाने अच्छे लगते हैं। और भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।